हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कि 1000 व्यू पे एज ए यूट्यूबर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये पूरा मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, मुझे कितना मिलता है 1000 व्यू पे, वो भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली मेरे लैपटॉप के मॉनिटर में। मगर उससे पहले मैं थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नो मोर फर्दर डिले, चलिए वीडियो के मुद्दे पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं 1000 व्यू पे आपको यूट्यूब कितना पैसा देगा। दोस्तों, 1000 व्यू पे आपको कितना पैसा मिलेगा, इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि 1000 व्यू होने से आपको इतना अमाउंट मिलेगा। ये वेरिएबल है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। मगर ये 1000 व्यू पे आपको कितना पैसा मिलेगा, इसका जो डिपेंडेंसी है उसका फास्ट डिपेंडेंसी है टाइम पे, सीजन पे, कंट्री पे, ऑडियंस पे। हाँ दोस्तों, टाइम मतलब के कौन सा टाइम पे आपके वीडियोस पे व्यू आ रहा है, दिन में आ रहा है, रात में आ रहा है, उस टाइम पे कितना कंपिटिटर आपके वीडियो पे ऐड दिखाना चाहता है, जो ऐड आपके वीडियो पे आए हैं, और वो जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो ऐड क्या बाहर से बैठ के कोई लोग देख रहे हैं आपके चैनल पे, या फिर आपके कंट्री पे बैठ के देख रहे हैं। तो मान लो इंडिया पे बैठ के कोई लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ पे ऐड आया है, तो आपको पैसा जो है थोड़ा कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री। जैसे कि US, मान लो US से बैठ के अगर इंडिया वाला वीडियो कोई देख रहा है तो उस पर जब ऐड आएगा तो उसका जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंडिया में बैठ के जो लोग देख रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही होगा। तो ये एक डिपेंडेंसी है। उसके बाद सीजन में इसलिए बोला क्योंकि फेस्टिवल सीजन में दोस्तों एड जो आते हैं वीडियो में वो फ्रीक्वेंटली आता है। 1000 व्यू में भी ज्यादा एड आ जाता है और कभी कभी 1000 व्यू में भी कम एड आता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन पे कंपिटिटर और एडवर्टाइजर जो होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, कंपटीशन मार्केट हो जाता है। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट को ले लो, दोनों ऐड रन करता है, दोनों कंपटीटर है एक दूसरे का, और आपके चैनल के जो वीडियो है उस पे उस टाइम पे 1000 व्यू पे भी बहुत ज़्यादा ऐड आ जाता है। इसके वजह से आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा जनरेट होता है। तो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा कौन से कंट्री से बैठ के वीडियो को वॉच किया जाता है, इसके ऊपर भी आपका एड रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आपका 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा भी ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस कहां से बैठ के आपके वीडियो को व्यू कर रहा है। अगर आपके सेम वीडियो को इंडिया में बैठ के एक ऑडियंस वॉच कर रहा है और उसी वीडियो को एक बाहर वाला US वाला बैठ के सेम वीडियो को देख रहा है, तो उस पे जो एड आएगा उसका रेवेन्यू जो US में बैठ के देखेगा उससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा कंपेयर टू इंडिया। तो ये सारे चीज़ जब 1000 व्यू होता है उस पर जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उस पूरा डिपेंडेंट होता है इन सारे चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ अभी मेरे मॉनिटर पे मुझे कितना मिलता है। तो आप लोगों का कोई भी मिथ है कि 1000 में इतना मिलता है या इतना मिलता है, ये पूरा आज क्लियर हो जाएगा। और एक बात बता दूँ, मुझे जितना मिलता है आपको भी उतना मिले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये डिपेंडेंसी डिपेंड करता है टाइम, सीजन, कंट्री, ऑडियंस के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मगर जो एक आप एज्यूम कर सकते हो कि आपको कितना मिल सकता है, ये बात मैं आज क्लियर करने वाला हूँ प्रैक्टिकली आपको मेरे वीडियोस पे दिखा के। तो वीडियो पे आखिर तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो अभी देख रहे हो ये सारे वीडियो है मेरे चैनल पे, इनमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो पे अभी तक आप लोग देख सकते हो व्यू जो है वो 1248 आ चुका है। तो ये वीडियो को ओपन करके ही मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने इस वीडियो से कितना पैसा कमाया। तो मैंने ओपन कर दिया दोस्तों अभी वीडियो को, तो अभी आप लोग देख सकते हो इस वीडियो से मेरा कितना अमाउंट जनरेट हुआ है। तो मैं चला जाऊँगा वीडियो के एनालिटिक्स पे। तो एनालिटिक्स पे जाने के बाद अब चला जाऊंगा मैं रेवेन्यू पे, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे ये वीडियो को ऑलमोस्ट 1.3 के व्यू आ गया है, मतलब कि 1300 व्यू आ गया है। उसके बाद मेरे इस वीडियो से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। तो रेवेन्यू में मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आया है, ये जो आया है ये ऑलरेडी मैं जनरेट किया हूँ। तो यहाँ पे 0.52 सेंट दिखा रहा है। 0.52 सेंट का मतलब होता है $1 से भी कम, मतलब कि $1 का हाफ अमाउंट आप मान सकते हो। अगर डॉलर को 70 रुपीज़
सोच लूँ तो आप सोच सकते हो इस वीडियो से 1300 व्यू आने के बाद मेरा कमाई हुआ है कुल मिला के 35 रुपये का कुल मिला के कमाई हुआ है 35 रुपीज़। तो आप अनुमान लगा लो कि 1000 व्यू पे एज ए यूट्यूब क्रिएटर एक वीडियो पे आपको कितना कमाई हो सकता है। मगर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन ऐसा है जो इस वीडियो पे अप्लाई करना पड़ेगा, वो आदर्स कंडीशन है जो आपको समझना पड़ेगा। ये वीडियो में 0.52 सेंट अभी तक का कमाई हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे वीडियो पे 1000 व्यू पे इतना कमाई ही होगा। ऐसा भी वीडियो हो सकता है जहाँ पे 200 या 300 व्यू का भी आपको $1 मिल सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है वीडियो पे व्यू कहाँ से आया है, इंडिया से आ रहा है या बाहर से आ रहा है, जैसे कि US हो गया, फिर इंग्लैंड हो गया, ये सारे इतने डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है आपके व्यू। और उसके ऊपर भी ऑडियंस जो आ रहा है आपके वीडियो पे देखने के लिए, वो वीडियो को पूरा वॉच कर रहा है या फिर थोड़ा वॉच करके छोड़ दे रहा है, क्योंकि वीडियो को पूरा वॉच करेगा तो वीडियो पे एक से भी ज़्यादा ऐड आने का चांसेस रहता है। उसके ऊपर आपका वीडियो ऑडियंस को कैसे मिला, कौन सा कीवर्ड को सर्च करके यूट्यूब पे आपके वीडियो को मिला या फिर डायरेक्ट ऑडियंस आया ब्राउज़र फीचर से, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कीवर्ड सर्च करके कोई भी ऑडियंस आपके वीडियो पे आएगा और वो कीवर्ड हाई कंपटीशन वाला होगा तो आपका जो एड आएगा उससे आपका जो रेव्यू जनरेट होगा वो बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। तो ये सारे कंडीशन होता है जिसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप एक वीडियो से कितना पैसा कमाओगे 1000 व्यू पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो लोगों का मित्र रहता है कि 1000 व्यू होने पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है एक वीडियो से, आज के इस वीडियो के द्वारा आप लोगों का वो मित भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बताने वाला हूँ कि ऐसा आप मत मान के चलिए कि 1000 व्यू होने से सिर्फ 52 सेंट का ही कमाई होगा। यहाँ पे $2, $3 का भी कमाई हो सकता है 1000 पे या फिर उससे भी कम व्यू में। तो व्यू से आप कमाई को डिपेंड मत करना, डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन रहता है, जैसे कि कौन सा रीजन से व्यू आया है, कौन सा देश से आया है, किस टाइम पे आया है, किस सीज़न पे आया है, जो ऑडियंस आया है वो वीडियो को कितना व्यू किया है पूरा देखा है, और वीडियो पे कौन सा टाइप का एड रन हुआ है। क्योंकि मेरा जो ये आप लोग अमाउंट देख रहे हो ये कम है, इसका और भी सारे रीज़न है, ये मैं अगर आपको समझाऊँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप वीडियो को पूरा सुन के जाना आपको समझ में भी आएगा। ये जो वीडियो है इस पे 5-2 सेंट आया है, मगर दोस्तों मैं अभी तक मेरे चैनल पे जो नॉन स्किपेबल ऐड होता है जिससे रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट होता है वो अभी तक मैंने इस वीडियो पे एनेबल नहीं किया है। उसके बाद जो मिड रोल ऐड होता है, मतलब वीडियो के जो मिडिल ऑफ वीडियो पे आता है ऐड, वो भी मैंने ऑन नहीं किया है। उसके पीछे रीज़न है कि मेरा जो चैनल है अब न्यू है, इस पे व्यू कम आता है तो क्लिक थ्रू जो CTR होता है वो ज्यादा होने का चांसेस है, इसलिए मैंने नॉन स्किपेबल ऐड और फिर मिड रोल ऐड को अभी तक एनेबल नहीं किया है। जैसे जैसे मैं उसको एनेबल करूंगा मेरा जो 1000 व्यू पे कमाई होगा वो ज़्यादा होने का चांसेस है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, ये सारे चीज़ बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है 1000 व्यू पे आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बात पे मित ना रखिए कि कांस्टेंट वैल्यू मत रखिए कि इतना 1000 व्यू होगा तो आपको पर्टिकुलरली $1 या $2 ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। ये पूरा और पूरा डिपेंड करता है कितना ऐड आएगा, कहाँ से ऐड आएगा, कहाँ से वीडियो दिखा जा रहा है, कितना कंपटीशन है, कौन सा कीवर्ड सर्च करके है, इन सारे तमाम चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक वीडियो पे 1000 व्यू आने पे आपको कितना पैसा मिलेगा। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और मम्मी पापा का नाम करिए दोस्तों। बाय।